हाय दोस्तों, मैं अभी हूँ यहाँ पे मुजफ्फरपुर और मैं यहाँ से पटना जा रहा हूँ। पटना यहाँ से 69 किलोमीटर है और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे पटना का चिड़ियाघर। तो फिर आपको वहाँ पे बताऊँगा कि चिड़ियाघर कैसा है नहीं है पटना का। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:57 हो रहा है। तो चलिए हम अभी आपको लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही है जो पटना का पुल है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसकी पिलर की मोटाई देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो गाड़ी जा रही है देख सकते हैं, अभी टू लाइन उधर उस साइड बन ही रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है, पर ए टू लाइन चालू हो चुका है। फोर लाइन का यहाँ पे रास्ता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रहा इंड पॉइंट पटना का। इंड पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है, आपको ये शुरू होता है जो करके ऐसे चला जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ले चलते हैं आपको और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जंपिंग कर रहा है कुछ, जब भी बस जा रहा है तो यहाँ पे जो हम खड़ा है यहाँ पे जंप हो रहा है यहाँ पे। नॉर्थ बोल्ट देख सकते हैं, कितने नॉर्थ बोल्ट लगे हुए हैं और उस पर खड़े हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वहाँ पे देख सकते कारीगर काम कर रहे हैं। इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़ क्या है जो नहीं पता है, फिर हम आगे देखते हैं आपको कर रहा है। तो वो यहाँ पे 11 है, इसी के बारे में हमको आपको बता रहे हैं, 9 है, फिर आगे हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब हमें पूरा स्पष्ट पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ये पार्ट को हमको बता रहा है। ये पार्ट जो यहाँ पे 13 जो लिखा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है, वो हमें पार्ट बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, जो लाइनिंग है यहाँ से लेकर और वहाँ पे पीछे रास्ता जो वहाँ जो देख रहे हैं वो मतलब 12 है, और इसके बाद यहाँ पे 13 स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम पार्ट दिखा रहा है, हमको अभी क्लियर हो जाएगा कि ये पुल कितने पार्ट में है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। और यह देखिए इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है, तो आप देख सकते हैं। और हम लोग अभी बीच में इतना आने के बाद भी हम लोग अभी बहुत ही पीछे है, पुल काफ़ी लंबा है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे जंपिंग सिस्टम है, यहाँ पे खड़ा होने के बाद देखिए काफ़ी जब गाड़ी गए हैं ना, पूरा यहाँ पे मेरा बाइक है तो पूरा जंप कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट कैसा काम चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। पुराने इसी प्रकार से है, इस साइड का है यहाँ पे। और कुछ आप बाहर का भी देख सकते हैं, इस प्रकार का खेत अभी बाहर पूरा मतलब केला का पेड़ ही है आपको जहाँ तक दिख रहा होगा। पे एक लेट लग रहा है, लग चुका है यहाँ पर, अब थोड़ा दिख रहा है और आगे भी काम चालू है। तो इस साइड का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसका व्यू कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी उधर फाइनल हो चुका है, फिर भी इधर अभी पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। आप गेस करके बताइए कि कितना टाइम में फाइनल हो जाएगा, और नीचे कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आप इस प्रकार तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कितना लंबा सा यहाँ टाइम खड़ा किया गया है। यहाँ पे आप बन चुका है, और यहाँ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा ऊपर की तरफ जंगल। और यहाँ पे देख सकते हैं 20-30 है, तो मतलब हम लोग अभी 35 जा चुके हैं और यहाँ मिल जाएगा आपको देख सकते हैं। चलिए आगे हम आपको देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और आगे क्या कहते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको फाइनली हम लोग गंगा के बीचों बीच आ चुके हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे नाव लगा हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे बालू खनन हो रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं जो
ट्रैक्टर पे लदा के जा रहा है वो बालू ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बीच में हैं और यहाँ से गंगा नीचे से पास हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा जो यह पुल है, सड़क पुल है, भारत के सबसे बड़ी सड़क पुल है या बीच की सबसे लंबी सड़क पुल है, तो वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए मैं उस साइड में रॉन्ग साइड में, क्योंकि उस साइड में जाऊँगा तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो राइट साइड है इस प्रकार है। फिर भी मैं आपको उस साइड लेकर चलता हूँ, फिर आपको उस साइड का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ पे है वो आप बोट वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रंप जो है रंप लगा हुआ है यहाँ पे, और यही गंगा का साग रखा जाएगा और वहाँ से एक नाव आ रहा है। देखिए ये साग किसी बोट में रखा जाएगा तो वो पूरा ऊपर ही लेके जा रहा है और वहाँ पे अगर आप नीचे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके पास जाकर उसकी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग पटना के पुल के लास्ट एंड तक आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पाथ है, आप कह सकते हैं 45 यहाँ तक है, वहाँ से लेके वहाँ मतलब 46 जो पुल का टोटल पार्ट, मतलब बोल सकते हैं कि पुल जो बना हुआ है टोटल अति 46 पार्ट में बना हुआ है। वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे बालू खना रहा है, तो वहाँ पे उसके पास मैं आपको चलिए कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके पास जाकर वीडियो बना कर आपको बता दूँगा कि बालू कैसे निकाला जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आप, और हम लोग लास्ट आ चुके हैं उस कॉर्नर पर, हम लोगों का लास्ट हो जाएगा फिर। और यहाँ से इस साइड भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है अभी। तो ये रहा 46, अब हो गया पुल खत्म। यहाँ पे इस साइड थोड़ा चलना है क्योंकि यहाँ पे आप इधर का